नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपके ही प्यार से कारण यहाँ तक आई, चाहती हूँ अपना प्यार से हमेशा मेरे साथ रखें। तो दोस्तों आज मैं एक लाई हूँ बिहार यूपी का प्रसाद है ये हनुमान जी का। तो ये हमारे यहाँ हनुमान जयंती और चैत नवमी और सावन में जो हनुमान जी का पूजा होता है उसमें ये बनता है और ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं। और हमारे यूपी बिहार में इसे रोट का लड्डू कहा जाता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो चैत नवमी में हो या हनुमान जयंती हो या सावन में हमारे कुल देवता की पूजा हो, ये लड्डू ज़रूर बनता है। और ये बिल्कुल देसी तरीके से बता रही हूँ कैसे बनता है। तो ना इसमें मिक्सी चाहिए ना कुछ, ये हाथों से ही बनेगा और बहुत जल्दी बनता है ये गरम गरम में। तो एक सावधानी रखिएगा कि जब इसे बनाएं तो ध्यान से, क्योंकि गरम गरम में ही बनता है, अगर गरम से ये ठंडा हुआ तो ये नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है वो दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया है गेहूँ का, 1 कटोरी लिया है मैंने गुड़ का बुरादा, आप चाहे इसकी जगह गुड़ ले सकते हैं, गुड़ में ही बनता है प्रसाद। और चाहिए हमें देसी घी, देसी घी में है, या तो आप डीप फ्राई करिए या सेलो फ्राई। तो मैं इसको सेलो फ्राई करके ही आपको दिखाऊंगी। और साथ में चाहिए सौंफ, किशमिश और बादाम, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो इस लड्डू में डालें वरना ना डालें। और चाहिए पानी। तो शुरू करते हैं। लेते हैं हम एक परात या एक बड़ा बोल और डालते हैं उसमें गेहूँ का आटा। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा लें, मीठा जितना खाते हैं उसके हिसाब से लें। तो मैंने 2 कटोरी पे 1 कटोरी लिया है, आप चाहें तो बराबर मात्रा में भी रख सकते हैं। तब इसमें हम डालेंगे घी, इस टाइम सिर्फ घी डाला जाएगा और इसको हम मिक्स करेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। और डालेंगे इसमें सौंफ, तो जैसे मैंने बोला था ऑप्शनल है, और इसको भी मिला लेते हैं। और ये हमारा मिक्स हो गया है और बिल्कुल टाइट हम इसका आटा गूंदेंगे, बिल्कुल टाइट, मुलायम नहीं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मिल चुका है। तो अब इसे हम गूंद लेते हैं हल्का हल्का पानी देके, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गूंद गया है और बिल्कुल टाइट है। तो हम इसकी लोई काट लेंगे, आप इसको रेस्ट नहीं करवाएं क्योंकि ये उसी टाइम बनता है, क्योंकि हमें इसकी पूड़ियाँ नहीं बनानी है, ये बस ऐसा हो कि फूले ना लेकिन पक जाए। तो हम इसकी बना लेते हैं, आप चाहे तो चकले बेलन से बनाए, हाथ से बनाए, जैसे भी, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चलिए बेल लेते हैं और डरिए मत, फट रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे पकाना है, पूड़ी की तरह नहीं फुलाना है। और जब ये ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ये मोटाई देख लीजिए, इससे मोटा भी बेल सकते हैं आप, लेकिन पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं इतना ही बेल रही हूँ। और मैं बेल के सब तैयार कर लेती हूँ और आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं हाथों से। तो चलिए बना के सब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं हम। तो ये मैंने बेल लिया सब, अब चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। तो हमने बेल लिया है और इसमें हम इस तरीके से कर देंगे ताकि हमारे जो ये पूड़ी हैं ये फूले ना। ये देखिए जैसे मट्ठी में करते हैं ताकि हमारी मट्ठियाँ ना फूले, बस उसी तरीके से हमें 2-3 जगह इसको कर देना है ताकि ये ना फूले। और इधर गैस चालू करते हैं हम अपना। तो मैंने ये पैन रखा है, आप इसकी जगह तवा या कढ़ाई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग हमारे यहाँ हैं वो डीप फ्राई करके भी इसे बनाते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो, आप डीप फ्राई करें या सेलो फ्राई। तो चलिए करते हैं इसको सेलो फ्राई और डालते हैं हम इसमें रोट को। तो इसे रोट का लड्डू इसलिए कहा जाता है कि रोटी की तरह बना के फिर हम इसको बनाते हैं। तो चलिए तरफ देख लेते हैं इसको। तो हम डालते हैं इसके चारों तरफ देसी घी, ये देसी घी में ही बनता है दोस्तों, प्रसाद है। और इसको हम पकने देते हैं देसी घी में अच्छी तरीके से, ऊपर भी हल्का सा लगा लेते हैं
तो हमारा ये सेलो फ्राई होगा। जल्दी चाहते हैं आप बनाना तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे पक जाने देते हैं, एक तरफ से आँच मीडियम करते हैं। तो चलिए इसे पलट लेते हैं एक तरफ से और हो जाने देते हैं दूसरी तरफ से। मैं आँच मीडियम और लो करके बना रही हूँ। तेज आँच पे ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए इसे हाई हीट पे मत बनाइएगा, मीडियम टू लो करते हुए बनाइएगा। पक जाने देते हैं दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन होने तक। तो ये देखिए एक तरफ से तो हो गया और इस तरीके से हम दबाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। मेरा आँच कम है और मैंने इसके साथ एक और डाल दिया है। ये गरम गरम ही बनता है इसलिए इकट्ठे सोच रही हूँ, अगर बन जाए सारे तो अच्छी बात है। इसे फिर से पलट लेते हैं और डालते हैं थोड़ा सा और घी। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या हेल्थ के प्रति जागरूक है तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है। हाँ, प्रसाद के तौर पे आप इसे चख सकते हैं, लेकिन जो स्वाद के दीवाने हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये प्रसाद। चलिए पका लेते हैं इसको भी, बार और पलट देते हैं। ये देखिए कलर, और अब हम इसको, आँच मेरा कम था मैं थोड़ा सा तेज करूँगी मीडियम ताकि और अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारा हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसे गरम में रखूँगी ताकि ये हमारा गरम रहे। तो मैं इसे कैस्ट्रोल होता है या हॉट केस आप जिसको बोलते हैं, मैं उसमें इसको रख रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है। ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं रख देती हूँ हॉट केस में और इसी के साथ मैं और भी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। अगर आपका तवा बड़ा है तो दो से तीन आ जाएगा, या एक बहुत बड़ा आप रोट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने छोटे बनाए तो आप भी बनाएं। तो चलिए बना लेते हैं सभी को, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। तो ये देखिए हमारा सारा बन गया और ये बिल्कुल गर्म है, तो किसी चीज़ के सहारे से मैं इसको तोड़ूंगी और ये आसानी से टूट जाता है क्योंकि हमने जो मयन दे रखा था वो अच्छा दे रखा था। ये देखिए बहुत गर्म है और ये गर्म गर्म ही बनता है, वरना लड्डू नहीं बन पाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हम तोड़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम इस तरीके से कूट लेते हैं, मिक्सी वगैरह में कुछ नहीं पीसेंगे, बस हम इसको कूट के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। बहुत गर्म है, सावधानी से दोस्तों। और मैन हमने डाला था जो घी का, उसकी वजह से आसानी से टूट रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से कूट लेते हैं, फिर हम इसमें एक एक करके सभी सामान मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बारीक नहीं कूटेंगे, इस तरीके से कूटेंगे और ये हाथ नहीं लगाया जा रहा दोस्तों। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो हमारा बादाम और किशमिश है वो, और डालूँगी गुड़ और इसको फिर मिलाएंगे हम। गरम है तो ध्यान से, और इसको हाथों से दबाते हुए मिलाएंगे ताकि गरम से जो हमारा गुड़ है वो पिघल जाए और लड्डू हमारा बनना शुरू हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मैं पहले ही बोल रही थी कि जो हेल्थ के प्रति जागरूक हैं उनके लिए ये नहीं है दोस्तों। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिलाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्स हो गया और इस तरीके से हम ये रोट का लड्डू बनाएंगे हाथों से दबाते हुए अच्छी तरीके से। और ये छोटे छोटे नहीं बनते दोस्तों, ये बड़े बड़े बनते हैं और गरम गरम ही बनता है। जब हम बनाते हैं तो हाथ हमारे जो है वो लाल हो जाते हैं बिल्कुल गर्म से, और ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू नहीं बनेगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं हाथों को, बहुत दबाव देना पड़ता है इसमें। ये देखिए, और ये हनुमान जी को चढ़ता है। तो चलिए बना लेती हूँ सब, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा ये रोट का लड्डू बन चुका है और मैं इसे तुलसी पत्ता से सजा देती हूँ और ये भोग के लिए तैयार है। तो आपके यहाँ भी अगर कोई ऐसी ही प्रसाद बनती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पूजा में हनुमान जी के कैसा प्रसाद बनाया जाता है। ये हमारे बिहार यूपी का रोट का लड्डू है। तो
चलिए बनाइए, खाइए मेरे तरीके से, और मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो नए रेसिपी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।